तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेविस लेबोटरीज़ के स्टॉक के बारे में डेविस लेबोट्रीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था पहले हमको स्टॉक में लोवर लो लोवर लो हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली लेकिन आज हमको स्टॉक में अगेन वन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में थ्री सेवन सेवन फाइव का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखना मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में थ्री एट टू नाइन और अगर स्टॉक इस इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में थ्री नाइन फाइव सिक्स दैन यहाँ से हमको स्टॉक में फोर जीरो सेवन टू और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन फोर्टी टू हंड्रेड दैन याद हमको स्टॉक में फोर्टी फोर हंड्रेड एंड देन यहाँ से हमको इस्टॉक में अगेन फोटी सिक्स फोर्टी एट हंड्रेड तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में थ्री सेवन टू फाइव का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में थ्री सिक्स थ्री थ्री एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में आगे थ्री फोर एट एट तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग चला नहीं है वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए धन्यवाद